कुमति कीच चेला भरा गुरु ज्ञान जल होए जन्म जन्म का मोर्चा पल में डारे धोए। कुबुद्धि रूपी कीचड़ से शिष्य भरा है उसे धोने के लिए गुरु का ज्ञान जल है। जन्म जन्मांतरों की बुराई गुरुदेव क्षण ही में नष्ट कर देते हैं। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है गड़ी गड़ी काढ़े खोट अंतर हाथ सहार दे बाहर बाहे चोट। गुरु कुम्हार है और शिष्य घड़ा है भीतर से हाथ का सहारा देकर बाहर से चोट मार मार कर और गड़ गड़ कर शिष्य की बुराई को गुरु निकालते हैं। गुरु समान दाता नहीं याचक शीश समान तीन लोक की संपदा सो गुरु दीन ही दान। गुरु के समान कोई दाता नहीं है और शिष्य के सदृश याचक नहीं। त्रिलोक की संपत्ति से भी बढ़कर ज्ञान दान गुरु ने दे दिया। जो गुरु बसे बनारसी शीर समुद्र तीर एक पलक बिसरे नहीं जो गुड़ होए शरीर। यदि गुरु वाराणसी में निवास करें और शिष्य समुद्र के निकट हो परंतु शिष्य के शरीर में गुरु का गुण होगा जो गुरु को एक क्षण भी नहीं भूलेगा। लक्ष्य कोष जो गुरु बसे दीजे सुरति पठाए शब्द तुरी अस्वार है छिन आवे छिन जाए। यदि गुरु लाख कोष पर निवास करते हो तो भी अपना मन उनके चरणों में लगाते रहो। गुरु के सदुपदेश रूपी घोड़े पर सवार होकर अपने मन से गुरुदेव के पास छड़ छड़ आते जाते रहना चाहिए। भाव गुरु के उपदेश में अपना मन रखोगे तो गुरु का स्मरण स्वाभाविक होता रहेगा। गुरु को सिर राखिए चलिए आज्ञा माही कहे गुगुरता दास को तीन लोग भय नाही। गुरु को अपना सिर मुकुट मानकर उनकी आज्ञा में चलो। कबीर साहब कहते हैं ऐसे शिष्य सेवक को तीनों लोक में भय नहीं है। गुरु बिना ज्ञान न उपजे गुरु बिन मिटे न मोश गुरु बिन लखे न सत्य को गुरु बिन मिटे न दोष। गुरु के बिना ज्ञान नहीं उत्पन्न होता गुरु के बिना मोक्ष नहीं मिलता। गुरु के बिना कोई सत्य का साक्षात्कार नहीं कर सकता और गुरु के बिना तन मन वचन के दोष नहीं मिटते।